हाय गाइज, मैं संतनु, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। उस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट कस्टमाइज थीम फॉर MIUI 9 एंड 10। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। अगर आप एक बेस्ट कस्टमाइज थीम सर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसमें कि आपको आइकन्स इंटरेस्टिंग मिले, उसका लुक इंटरेस्टिंग मिले और पूरा जो आपको मतलब आइकन्स और वॉलपेपर और आपका विजेट ब्लेंड कर जाए और पूरा सेटिंग्स के साथ, जो कि मतलब आपको बैकग्राउंड व्हाइट मिल जाएगा, आपको टॉगल्स और टेक्स्ट आपको ब्लैक मिल जाएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक मिल जाता है। अगर आपको लाइट या डार्क थीम पसंद है ऐसा कुछ, तो मुझे जो कि मतलब डार्क थीम काफ़ी पसंद है, तो आपको शायद ये थीम अच्छा लगेगा। इसमें आपको पूरा ही मतलब थीम ब्लेंड कर जाएगा आपका फ़ोन के साथ और आपने मतलब इसका टॉगल्स आपको ब्लैक मिल जाएगा, टेक्स्ट आपको ब्लैक में मिल जाएगा। और अगर आप स्टेटस बार देखेगा तो वो भी सिमिलर है, आपको टॉगल्स ब्लैक में मिल जाएगा, बैकग्राउंड व्हाइट मिल जाएगा और ऊपर में आपको ब्लैक का शेड मिल जाएगा और उसका जो डिज़ाइनर का लोगो है उस वो भी आपको MN मिल जाएगा, जो कि वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोई ऐसा ये नहीं कर रहा, अगर आपका MN से नाम है तो और इंटरेस्टिंग होगा। और अगर इसका डायलर देखिएगा तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको जो नम पैड है वो भी इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। और अगर आपका मैसेजिंग ऐप वो भी इंटरेस्टिंग है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। इसका लिंक आपको मिल जाएगा और सिक्योरिटी आपको नया लुक मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम थीम में चेंजेस होता है सिक्योरिटी का लुक। तो अगर आपको ट्राई करना कुछ पूरा चेंजेस, तो ये थीम जरूर ट्राई कीजिए। इसमें प्ले स्टोर भी ब्लैक हो गया और जितना भी ऐप्स आपका मतलब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सभी कुछ आपका डार्क में हो गया, पर यूट्यूब नहीं हुआ, तो थोड़ा सैड है, पर वो भी सैड हो जाएगा अपडेट के साथ या कुछ ऐसा। अगर आप उसको कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर उसका मिल जाएगा आपको। तो देखिए, जैसे कि अगर आप WhatsApp देखिए तो WhatsApp आपको कुछ ऐसा ब्लैक में मिलने वाला है, और अगर आप उसको मतलब पूरे टॉगल कीजिए तो पूरा आपको ब्लैक में मिलने वाला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लुक मिल जाता है। और कमेंट में एक जन मतलब पूछते रहता है कि ब्लैक थीम WhatsApp के लिए, तो ये है आपके लिए जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप MIUI 9 यूज़ कर रहे हो तो आपका क्लॉक भी चेंज होगा, और कैलकुलेटर ऐसा हुआ तो आपका क्लॉक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर MIUI 10 के लिए कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है, जो कि एक खराबी है। तो यही, अगर आप MIUI 10 के लिए फिलहाल अभी थीम डेवलप होना शुरू नहीं हुआ, और अगर आप इसका रिसेंट देखिएगा तो रिसेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि बैकग्राउंड आपको ब्लैक हो जा रहा है, बाकी आपका सिमिलर। और अगर इसका लॉक स्क्रीन देखिएगा तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको राइट की तरफ मिल जाएगा म्यूजिक, और अगर आप स्वाइप अप कीजिएगा तो आपको अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि राइट की तरफ म्यूजिक, लेफ्ट की तरफ आपको टॉगल्स इंटरेस्टिंग, जो कि यूजफुल टॉगल, व्हाट्सएप गैलरी और आपका क्रोम और डायलर, और नीचे आपको डायलर मिल जा रहा, फिंगरप्रिंट आप बैक से यूज़ कर सकते हो, और आपका मतलब जो मतलब कैमरा साइड में आपको मिल जाता है, जो कि हमेशा वहीं पे रहता है, और बीच में फिर से लोगो मिल जा रहा है, और ऊपर में आपको मी बनी जो कि आउटलॉ है। और अगर आपको ये थीम डाउनलोड करना है तो उसका नाम अंडस लाइट है, जो कि आप UNDSLIGHT लाइट सर्च कीजिएगा थीम ऐप में, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए थीम का, तो नीचे वो भी मिल जाएगा, जहाँ से कि आप वन टैप में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप थीम ऐप में सर्च कीजिएगा अंडस लाइट, तो आपको डायरेक्टली ये थीम मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, जल्दी कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन टैप कीजिए, ताकि आप हमसे नोटिफाइड रहे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।